अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 55। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू लॉक एंड अनलॉक लेयर, लेयर को लॉक और अनलॉक कैसे किया जाता है, हाउ टू हाइड एंड अनहाइड लेयर और मॉडिफिकेशन अबाउट लेयर। और लेयर्स के ऊपर और भी काफ़ी सारे काम करेंगे कि हाइड अनहाइड लॉक अनहाक लॉक कैसे किया जाता है, उसके अलावा और भी इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने एक नई लेयर बनानी और अपने ऑब्जेक्ट को लेयर में मूव करना, लेयर का कलर चेंज करना और उसके अलावा लेयर टू लेयर ऑब्जेक्ट को मूव करना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। और आज के इस लेसन में हम लेयर के ऊपर और भी मज़ीद काम करते हैं, जिसमें हमने लेयर को अनलॉक कैसे करेंगे, लॉक कैसे करेंगे, हाइड अनहाइड कैसे करेंगे और उसके अलावा और भी मॉडिफिकेशन लेयर्स के ऊपर करना सीखेंगे। उसके लिए मैं ऑटो कैड ओपन करता हूँ। तो जो प्रीवियस लेसन मैंने बनाया हुआ था, जिसमें हमने लेयर्स के ऊपर थोड़ा काम किया था, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने जो लेयर प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने जो काम किया था, वो हमने हाइड अनहाइड किया था और यहाँ पे फ्रीज है, लाइन कलर है। आप इनको आप बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको मूव करें। देखें, लॉक लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। और इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हैं डायलॉग बॉक्स को, तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको पूरे इसको सिलेक्ट करके मूव कर दें। लेयर टाइप है, लाइन वेट है, यहाँ पे आप देखें इसको मूव कर दें, आप यहाँ से इसको मूव करें, ट्रांसपेरेंसी को और प्लाट कलर वगैरह इन सारी चीज़ों को मूव करें। किसी चीज़ को रिमूव करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं फ्रीज को, और फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जी आपके पास ऑप्शन है, जो ऑप्शन हमें ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है, तो वो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करता हूँ, इसको अनचेक करता हूँ, गायब हो जाएगा। उसके अलावा मुझे बस प्लॉट स्टाइल का मुझे नहीं चाहिए, न्यू वीपी फ्रीज का मुझे फंक्शन नहीं चाहिए और प्लॉट और प्लॉट साइज़ का मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, तो उसके मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन अप्लाई हो गए। अब यहाँ पे लेयर के नाम और लेयर्स हमारे पास सामने आ गई हैं और अब यहाँ पे उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, लेयर्स को मूव करना चाहो तो आप इस लेयर को ऊपर में मूव करना चाहो, मैं क्लिक करता हूँ ऊपर चली जाएगी, नीचे लाना चाहो नीचे चली जाएगी। आप देखें लेयर को आप मूव कर सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा यहाँ पे हमने लेयर्स के ऊपर हमने जो काम किया था, न्यू लेयर बनाई थी और उसके बाद है न्यू लेयर वीपी, और इसके ऊपर हम बाद में काम करेंगे, डिलीट लेयर है और उसमें नेक्स्ट है सेलेक्ट करंट लेयर। मतलब मैं अगर ये लेयर है इसी लेयर पे काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेट करंट लेयर पे क्लिक करूँगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी लेयर पे काम करूँगा। मैं जब भी जो काम करूँगा वो ऑटोमेटिकली इसी लेयर में मूव होता जाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल विंडो वाला काम है वो काम करूँगा, तो मैं सारा का सारा इसी लेयर के ऊपर काम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पर मैं विंडो वाली लेयर को मैं करता हूँ सेट, यहाँ पर जो करता हूँ सेट करंट लेयर पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर सेट हो गया करंट लेयर, देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट होंगे। मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ डोर वाली लेयर, और मैं यहाँ पे डोर वाली लेयर को मैं करता हूँ सेट करंट लेयर, तो आप देखें यहाँ पे तो ये वाली लेयर सेलेक्ट हो गई है। और इस लेयर को सिलेक्ट करना चाहो तो आप सेट करंट लेयर को क्लिक करोगे, तो ये जीरो लेयर आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास जीरो लेयर ही सिलेक्ट होती है, आप अगर उसको चाहो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो सिलेक्ट करंट लेयर, तो बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास जीरो लेयर सिलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अपने लेयर पे काम करना, तो आप यहाँ पे लेयर पे काम कर सकते हैं। उसके लेयर में आपके पास फ्रीज और अनफ्रीज का फंक्शन है यहाँ पे, और मैं इसको क्लिक करके इसको मैं यहाँ से सेट करंट लेयर पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फ्रीज अनफ्रीज का फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे आपको इसको मैं साइज छोटा करता हूँ और मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये ऑन ऑफ लेयर, ऑन या ऑफ लेयर को ऑफ करेंगे तो आपके पास जो जीरो लेयर है, जीरो लेयर पे जो जो चीजें हैं वो सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। क्लिक करता हूं मैं, अब मैंने ऑन ऑफ पे अब क्लिक किया और देखिए मेरे पास यहाँ पे जो डोर्स और विंडो के अलावा जितना भी एरिया था वो सारा का सारा ऑफ हो गया। उसको ऑन करना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ऑन भी कर सकते हो। ओके, देखिए ये हाइट, ये जो हमारे पास लाइट ऑफ की हुई है, तो अब मैं इसे ऑफ करना चाह रहा हूँ, ऑन करना चाह रहा हूँ, क्लिक करता हूँ ऑन हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर डोर वाली लेयर को मैं क्लिक करता हूँ तो देखें डोर गायब हो जाएंगे मेरे, वापस लाना चाह रहा हूँ मैं क्लिक करूँ वापस आ जाएंगे। विंडो को मूव करना हाइड करना चाह रहा हूँ, विंडो मेरे पास गायब हो जाएगी और मतलब ऑफ हो जाएगी, ऑन करना चाह रहा हूँ ऑन हो जाएगी।
और इसी के साथ और जो ऑप्शन उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। लॉक अनलॉक ऑप्शन है। अब लॉक और अनलॉक ऑप्शन क्या होता है जी? मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है, मैं यहाँ से विंडो को सिलेक्ट करता हूँ, इस विंडो को सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ, मैं विंडो को सिलेक्ट करता हूँ, इसका साइज बढ़ा सकता हूँ, देखिए मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस विंडो में कोई भी काम ऐसा ना हो, अगर कोई बाहर से आके कोई भी बंदा इसमें अगर कोई काम करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, कोई विंडो डिलीट कर देता है, तो ये काम ना हो। और काम करते हुए मुझसे, मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो इन चीज़ों को मैं लॉक कर दूँ, ताकि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो इनमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो उसके लिए आप विंडो को लॉक कर सकते हैं। तो लॉक करने का क्या तरीका है? आप यहाँ पे जाएँ तो आप लॉक कर दें, तो मैं यहाँ पे विंडो को लॉक करता हूँ, लॉक कर दें मेरे विंडो को, विंडो पे क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ। बल्कि लॉक करने के बाद मैं इसको कंट्रोल जेड और यहाँ से क्लोज भी करता हूँ। अब देखता हूँ जी मैं यहाँ पे, कलर चेंज करता हूँ इसका, कलर चेंज हो रहा है, ये अनलॉक लॉक क्यों नहीं हुई विंडो, तो वो देखता हूँ जी मैं। अब देखिए, हाँ अब देखिए विंडो के ऊपर जब मैं आ गया तो विंडो तो लॉक की भी, आप देखें विंडो के ऊपर काम नहीं होगा। इसको भी मैं लेयर पे जाके, इसको भी लेयर विंडो वाली लेयर पे लेके जाता हूँ, सॉरी मैं विंडो की लेयर पे आया हूँ, मैं इसको डोर वाली लेयर पे लेके जाता हूँ। डोर वाली लेयर पे मैंने डोर को विंडो में ले गया हूँ मैं, थोड़ा यहाँ से कन्फ्यूजन हो गई थी मुझे, और यहाँ से मैं जाता हूँ डायरेक्ट डोर वाली विंडो पे लेके जाता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखें यहाँ पे जो डोर की विंडो है, देखें इसको मैं ना क्लिक कर सकता हूँ, ना ही मैं कोई और काम कर सकता हूँ। देखें ये लॉक ऑप्शन दिया हुआ इसने, ना ही डिलीट हो रही है ना कुछ और, देख सकते हैं। तो ये जी फंक्शन है लॉक का, देखें जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लॉक ऑप्शन बना हुआ जाता है, तो ये फंक्शन है जी लॉक का। अब मैं इसी तरह विंडो है, विंडो के ऊपर काम करता हूँ तो विंडो डिलीट कर सकता हूँ, कोई भी काम करने काम कर सकता हूँ। अब इसको भी मैं अनलॉक, इसको भी मैं लॉक करूँगा, तो मेरे पास मैं इसको विंडो को मैं लॉक करता हूँ, तो अब देखिए विंडो को भी मैं डिलीट नहीं कर सकता, देख सकते हैं, और सारी चीज़ें डिलीट होंगी, विंडो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं। तो ये था जी लॉक और अनलॉक का फंक्शन था, जो कि आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज में भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब इनको अनलॉक करेंगे, अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद इनका साइज स्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो जो विंडो है, डोर है, इसकी लाइन टाइप कौन सी होनी चाहिए? तो कंटिन्यू है, तो मैं चाहता हूँ इसकी लाइन टाइप गैस होनी चाहिए, और अगर आप कोई और लाइन टाइप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, डॉटेड एस वाली लाइन में देना चाह रहा हूँ, ओके, और अब इसको ओके करता हूँ मैं यहाँ से। अब कंटिन्यू वाली ये जो गैस लाइन है हमारे पास, देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जी बैटिंग वाली लाइन, ओके। अब देखें इसका स्टाइल चेंज हो गया आपकी लाइन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा लाइन का वेट चेंज करना चाह रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट वेट है, और मैं यहाँ पे इसको वेट इसका ये वाला देना चाह रहा हूँ, क्या करता हूँ तो इसकी विड्थ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, देख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी का फंक्शन ये है कि आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी में लाता हूँ 70% लेके आता हूँ, क्या करता हूँ अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी देखें, जब मैं इसको मूव करता हूँ तब ट्रांसपेरेंसी सामने आ जाती है, तो ये ट्रांसपेरेंसी इसकी कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, और यही ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से देखें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था जी लेयर में कुछ और ऑप्शन थे जो आज हमने डिस्कस किए, हाइट अनहाइट, लॉक कैसे करते हैं, हाइट कैसे करते हैं, अनहाइट कैसे करते हैं, और लॉक इसको फ्रीज, फ्रीज में भी यही काम होता है, फ्रीज आप कर दो इसको, फ्रीज में भी आप इसको मूव नहीं, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, देखिए फ्रीज मैंने कर दी। अब फ्रीज से क्या हुआ है, ये मैं बस इसके ऊपर जब मूव करूंगा तो देखिए वो गायब हो गया मेरे पास लाइन,
क्योंकि हम बस फ्रीज हो गया है, आप इसे अनफ्रीज भी कर सकते हैं, क्लिक करता हूँ वापस आ जाएगी यहाँ पे, देख सकते हैं और फ्रीज आल है, और यहाँ पे आप इसको फ्रीज अनफ्रीज भी कर सकते हैं। लेयर ऑफ जो अभी हमने काम किया था, लेयर ऑफ हो गया विंडो वाली, ऑन करता हूँ मैं इसको, और लेयर यहाँ पे आप इसको ऑन करना चाहें तो आप ऑन भी कर सकते हैं लेयर को, तो यहाँ पे क्लिक करें और इसको ऑन कर दें। उसके बाद हमारे पास ये आइसोलेट है, हाइट या लॉक लेयर करते हैं, आप इसको क्लिक करें, देखें मेरे पास ये वाली लेयर सिर्फ एक्टिव है, इसके अलावा सारी की सारी जो हाइड लेयर क्या होगी, हाइड होगी। यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है हाइड्स आर, देख सकते हैं यहाँ पे क्या रहा है, हाइड्स आर लॉक ऑल लेयर एक्सेप्ट दोज ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जिनको आपने सिलेक्ट किया उसके अलावा जितने भी लेयर्स होंगे वो सारी सारी क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। तो अनहाइड करने के लिए दोबारा इस बटन पर क्लिक करके इन दोनों के इनको क्या कर दें आप, सॉरी अनहाइड कर दें, तो अनहाइड के लिए आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें तो ये अनहाइड हो जाएंगी। तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रीज है जो अभी हमने काम किया था, इसमें भी आप लेयर को सिलेक्ट करके फ्रीज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, और मेक करंट लेयर आप बना सकते हैं, अपनी लेयर को करंट बना सकते हैं, जो कि हमने जो ऑप्शन हमने यहाँ से किया था, ये वाला ऑप्शन हमने जो किया था, देख सकते हैं सेट करंट लेयर, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी लेयर के ऊपर कुछ डिस्कस हमने किया जी, लेयर क्या होता है और लेयर पर हम काम कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और एक और बात याद रखिएगा कि हमेशा जब आप काम कर रहे होंगे तो उसको आप बाय लेयर जब रखते हैं तो बाय लेयर रखें, और लेयर सारी की मैं अब डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लेयर नहीं चाहिए, अभी तो मैंने इस पर काम नहीं करना, तो आप इसको सिलेक्ट करें और इसको डिलीट कर दें, सिलेक्ट किया लेयर को और यहाँ से डिलीट कर लिया, सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ओके क्लोज। अब ये इसलिए डिलीट नहीं हो रही क्योंकि इसको मैंने सेट करंट किया हुआ है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले वाली को, इसको मैं सेट करंट करता हूँ और अब ये वाली मेरे पास डिलीट हो जाएगी, ओके। और ये जो लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं बाय लेयर, और बाय लेयर का हर एक स्टाइल आपने क्या करना होता है, बाय लेयर ही देना होता है। तो ये जी बाय लेयर मेरे पास स्टाइल आ गए, ओके। अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।